बहुत छोटा था वो मुझसे, छोटा मीन्स आई वॉज सीनियर, मैं सीनियर था। वेन आई वॉज इन सी ए फाइनल ही वॉज जस्ट इन सीपीटी, और आज वो सी ए फाइनल्स में। यह दुख होता है। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी सक्सेस से मुझे फ़र्क पड़ता है, नहीं, बट फ़र्क ये पड़ता है कि आई वॉज अ सीनियर एंड नाउ हम एक लेवल पे। उसको देखो, वो क्लियर हो चुका है। मेरा टाइम पहले था, वो क्लियर हो गया। यार तुम्हारी शादी की उम्र है, कितने अटेम्प्ट दोगे? 1 2 3 कितने अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहोगे? आई डोंट थिंक तुमसे हो पाएगा। मुझे बस स्टार्ट ही करना है सीए की जानी। अरे हार्ड वर्क लगता है बॉस, तुमसे इतना नहीं होगा, उसमें बहुत मेहनत लगती है, अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं। क्या तुम कर पाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं लगता मुझे। सीए करना है, फैमिली की एक बार पोजीशन तो देखो तुम। क्या फैमिली की पोजीशन अलाउ करेगी 12-12 घंटे पढ़ना, 13-13 घंटे पढ़ना? यू हैव टू ऑल्सो सीक द फैमिली, तुम्हें फैमिली को देखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नहीं, कुछ ऐसा करो कि हमें बस 20,000-30,000 की अर्निंग हो जाए, बस बहुत है अपने लिए। हो क्या जाएगा, सीए बन के भी तो कमाना ही है, ऐसे भी कमा लेना। कब तक अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहोगे? कब तक? हर अटेम्प्ट में या तो एग्रीगेट में रुक जाते हो, या फिर किसी एक सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से अटक जाते हो। क्या मतलब है इतनी मेहनत का? क्यों कर रहे हो भाई? गिव अप, छोड़ो यार। वो लगता नहीं उसने इतनी मेहनत की होगी, नहीं तो पास हो जाते यार अब तक तो। और मैं इस जगह होता तो पता नहीं पढ़ पढ़ के कितनी किताबें लिख चुका होता। कब से तो पढ़ रही है वो, कब से पढ़ रही है, देखो उसको। इस जगह मैं होता तो पता नहीं कब से पढ़ पुढ़ा के ख़त्म करके रख चुका होता। यार तेरा पढ़ने का तरीका शायद गलत है, इसलिए तो क्लियर नहीं हो पा रहा। यार कुछ तो गड़बड़ तुझ में ही है। मुझसे सीख, कैसे सीख, क्या करना होता है? अरे जिस इंसान को यही नहीं पता कि हर सी ए एस्पिरेंट हार्डवर्क कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्शंस हैं, कंफर्ट जोन नहीं छूटता तो हाँ कर रहे हो तुम गलती। बट ये जो सारी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, गर्ल्स के लिए तुम्हारी एज शादी की हो चुकी है। एक बार शादी की एज निकल गई ना तो अब क्या कर लोगे पढ़ के? घर ही संभालना है। क्या ऐसा नया उखाड़ लोगे तुम? घर ही संभालना है। जो रिश्तेदार बिल्कुल फोन भी नहीं करेंगे, हालचाल नहीं पूछोगे, तुम बीमार पड़े हो, उनको नहीं फर्क पड़ेगा रिजल्ट के दिन? क्या हुआ बॉस? फिर नहीं हुआ? रिजल्ट आने से पहले इस बार हमें लगता है तेरा हो जाएगा। वो इस बार इतना चुभता है ना, वो इस बार इतना चुभता है वो वर्ड, इस बार तो हो जाएगा। अरे हमसे पूछो, हर बार जब हम मेहनत करते हुए, वो इस बार हमें कितना खलता होगा। किसे पसंद आ रहा है कि यहाँ पे फ्रेंड्स सब लोग, फैमिली फंक्शन सब लोग सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और हम एक कमरे में बंद होके FR SFM DT IDT कॉस्ट लॉ ऑडिट इसकी दुनिया में ही है। हैव यू एवर बीन एट प्लेस जहाँ पे सिर्फ 12-12 घंटे स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी ये भी नहीं पता कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर रिजल्ट में वो FAIL नहीं पता? इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स की रहने दे, छोड़ दे, हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जिस दिन वो PAESS आता है ना, ये वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। सीए साहब बहुत मेहनत की है छोरे ने, बहुत मेहनत की है लड़की ने, और रिजल्ट के पहले इतनी मेहनत कर करके भी नहीं हो रहा, कहीं तो तुम ही गलत हो। ये सब वर्ड्स बदल जाएंगे।
सब कुछ बदल जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, जिंदगी में तुम कुछ भी करोगे लोग कहने के लिए आएंगे। अगर तुम खाली बैठे हो तो बोलेंगे इससे अच्छा तो पढ़ के कोशिश कर लेते, शायद तुम क्लियर हो जाते हो। और अगर बहुत कोशिश कर रहे हो तो बोलेंगे कि इतना मेहनत करके भी क्या मतलब है। कहते हैं ना किसी की डेथ हो जाती है ना तो हम समझाने जाते हैं कि भाई देख दुनिया ये होता ही है, रियलिटी यही है कि एक दिन जो है उसको जाना ही है। और अगर वही इंसान दो दिन में समझ जाए कि हाँ सच में एक दिन जो है उसको जाना है तो पीठ पीछे दुनिया क्या बोलेगी, इसे तो दुख ही नहीं है। और वही अगर वो 10 दिन रोता रहे तो बोलेंगे अब निकल जाओ यार इस दुख से, निकलना पड़ेगा तुम्हें, क्या रोते रह जाओगे। तो तुम्हारा कुछ भी स्टेटस हो, कुछ भी हो, दुनिया वाले बोलेंगे। और हम भी शायद किसी के लिए दुनिया वाले ही हैं, हम भी कोई अनोखे नहीं हैं। सो सिंपल चीज है, अगर ट्राई करना है, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, एक अटेम्प्ट नहीं, दो अटेम्प्ट नहीं, 10 अटेम्प्ट भी लगेंगे मुझे ट्राई करना है, क्योंकि वो प्रीफिक्स चाहिए बॉस, चाहे वो CA हो, CS हो या CW हो, वो प्रीफिक्स मुझे चाहिए। CMA का वो प्रीफिक्स मुझे चाहिए, CS का चाहिए, CA का चाहिए, वो प्रीफिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट लग गए लग लेने दो, एटलीस्ट मैं लूज़र तो नहीं हूँ ना, आई एम नॉट द लूज़र कि जो बैठ गया बस। लोग आएंगे ज्ञान देंगे, उन्हें क्या पता कि 10-10, 12-12 घंटे कमर हमने तोड़ी है, कमरे में हम रहे हैं, लोगों के नेगेटिव वाइब्स, ताने टॉन्ट हमने सुने हैं, और फिर भी बहुत पेशेंस रख के हार्डवर्क किया है। हम पेरेंट्स की या फैमिली की कमाई हुई चीज़ों पे नहीं है, कई जगह हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसलिए हमारे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट है। शायद फैमिली में किसी की हेल्थ कंडीशन ख़राब थी तो बहुत सारे अटेम्प्ट छोड़े हैं, शायद फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी तो जॉब में लगे हुए थे और इसलिए पढ़ नहीं पा रहे थे, 2-2, 3-3 घंटे हमने हमारे आराम के चुरा के पढ़ाई को दिए हैं, CA को दिए हैं, हमें हाथ में कोचिंग की फ़ीस नहीं मिली थी, आने जाने के लिए हमें व्हीकल नहीं मिले थे, शायद बहुत दूर दूर तक पैदल जा रहे थे, घर में शायद काम करने के लिए कोई नहीं है, हम हमारा खाना बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी मैनेज कर रहे हैं। तो यस, वी आर द प्राउड एस्पिरेंट्स, CA एस्पिरेंट्स, और हमने हार्डवर्क किया, बहुत किया, और उसके बाद भी फ्लंट हुए हैं, तो हम हमारी गलती देखेंगे और बिल्कुल देखेंगे, बट गिव अप तो नहीं कर सकते, कम से कम तब तक गिव अप नहीं कर सकते जब तक अंदर से दिल से आवाज ना आए बस यार अब बहुत हो गया, अब नहीं करना, बस तब तक हम गिव अप नहीं करेंगे। सो टू ऑल द CA एस्पिरेंट्स, जस्ट बैक अप, हम मेहनत करेंगे, गिव अप हमारी डिक्शनरी में तब तक नहीं है जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए कि बस यार अब नहीं हो सकता, हम गिव अप नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट।